सो हेलो फ्रेंड, आज फिर से आ गए हम एक और कैंपिंग साइट पे। तो सुबह से आने का प्लान था लेकिन भाई बारिश की वजह से हम आ नहीं पाए। सुबह से बहुत तगड़ी बारिश लग रखी, लेकिन कैंपिंग हमें करना ही था तो इसलिए हमने सोचा कि रेन कैंपिंग कर लेते हैं, क्यों भाई। हाँ। तो इसलिए आज हम रेन कैंपिंग करने के लिए आ गए। तो अभी भी बारिश रुकी नहीं है भाई, पूरे 10-12 घंटे हो गए तो लगातार बारिश लगी है। तो अभी हम जल्दी से पहले लोकेशन पर विजिट करते हैं, एक पैरिस लोकेशन हमने देखी है तो वहाँ पर आज हम कैंपिंग करेंगे। तो सुबह से यहाँ बारिश लगी है बहुत ख़तरनाक और हम लोकेशन पे पहुँचते बहुत ज़्यादा भीग भी गए और टेंट भी अपना पूरा भीग गया और बैग वगैरह पूरा भीग गया। तो अभी भी हम लोकेशन पे पहुँचे नहीं, तो बहुत तेज़ बारिश लगी है सुबह से। लकड़ियाँ तो आज मुश्किल मिलेगी नहीं, आज तो गीली होगी लकड़ी। तो आज मेरे साथ एक और भाई आ रखा है तो ये आप चेक कर सकते हैं। आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश लग रखी तो इस वजह से लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। तो अभी के लिए जल्दी से पहले लोकेशन पर पहुँचते हैं। तो गाइस टेंट भी अपना पिच हो गया, तो बारिश तो अभी भी बहुत तेज़ लग रखी है यार। पूरा भीग गया मैं, पूरा गीला हो गया, टेंट के अंदर भी पानी आ रहा है। मैं पूरा भीग गया इधर, मैं भी कपड़े उतारता हूँ, जैकेट वगैरह पूरा उतारना पड़ेगा, पूरा गीला हो रखा है। कपड़े उतार रहे हो? हाँ, गीला हो गया ना। हाँ यार, बैग भी पूरा भीग गया, टेंट पूरा भीग गया, पानी पूरा अंदर आ रहा है। तो आज खाना टेंट के अंदर ही बनाना पड़ेगा क्योंकि लकड़ियाँ तो मिलेगी नहीं, आग मुश्किल ही जलेगी, पानी पूरा अंदर आ रहा है। तो जल्दी से सामानों को निकालते हैं और ये अपना टेंट लैंप तो इसको भी जलाते हैं। चलो भाई सामानों को निकालते हैं फिर खाने की तैयारी करते हैं। हम हैं बहुत ज़्यादा थक गए भाई आज। ये रहा अपना व्यू टाइम। तो
तो गाइस ये देख लो पानी पूरा अंदर आ गया, मैं तो भीग गया भी बहुत। उतार इसको पूरा, उतार इसको उतार रहा। हाँ हाँ दिखा दो, आज सिक्स पैक दिखा दो तुम्हें। सिक्स पैक है यहाँ टांग दो, टांगने का देर का नहीं, इस पर टांग दो। बारिश बहुत तेज लग रही है भाई, सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आज फुल रेन कैंपिंग होने वाला है, तो ठंडा भी हो ही रहा। तो क्या करें, कॉफ़ी बनाएं पहले? हाँ कुछ कॉफ़ी पीने का मन कर रहा ना, तो कॉफ़ी बनाते हैं बढ़िया करके। तो अंदर ही बनाना पड़ेगा, बाहर पर तो बारिश हो रही है। तो नीचे आग उग लग जाएगा ना, सीन खराब हो जाएगा, फिर पूरा टेंट जल जाएगा। आग बहुत जल्दी पकड़ती है। क्या जल गया भयंकर। चलो भाई अब कॉफी बनाते हैं बढ़िया करके, हैं दूध तो अपने पास है ही। तो इसको अभी साइड पर रख देते हैं, बाद में उठा लेंगे। भैया जब तक अपनी कॉफ़ी बनती है तुम क्या करोगे, तुम प्याज टमाटर काटोगे, ठीक है? तो ये तो तुम्हें ले जाना पड़ेगा, मैं इसका कुछ और जुगाड़ करता हूँ। बाहर तो बारिश आ रही है, तुम इसको पकड़ो, इसमें तुम प्याज टमाटर काटो। मैं नीचे से इस वाले कपड़े को रखता हूँ, क्योंकि टेंट का कपड़ा तो भाई एकदम से आग पकड़ लेगा। तो नीचे से मैंने कपड़ा ये वाला रख दिया, यहाँ पर अपनी कॉफ़ी बनती रहेगी। ये जी ये देखो, आज यहाँ स्विमिंग पूल बनने वाला है टेंट के अंदर, पूरा पानी आ रहा है साइड साइड से। वैसे आउटर लेयर पर आ रहा, अभी तो अंदर नहीं आया, लेकिन जैसे ही अंदर का आउटर लेयर पर चिपक रहा है ना, फिर ये पानी ले रहा है। स्विमिंग पूल बनने वाला आज, तो देखते हैं कितनी देर में अपनी कॉफ़ी रेडी होती है, फिर कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं भाई। ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा आज। बारिश आज कपड़े का नाम नहीं ले रही हुई। सिक्स पैक दिखा दो ना यार भाई, जरा सिक्स पैक। फोर पैक है तो भैया दूध तो उबल गया। तो भाई जी मैंने अभी प्याज काट दिया, प्याज टमाटर। हाँ तो अब कॉफ़ी रेडी करता हूँ मैं ज़रा, तो इसमें मिक्स करता हूँ मैं कॉफ़ी को। ये रहा कॉफ़ी का पैकेट, हार्ड भी हो गया नॉर्मल? हार्ड कॉफ़ी हार्ड पीता हो ना? हाँ मैं तो हार्ड पीता हूँ, बता देना, बाद में टेस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए ना। बारिश में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं भाई। ओ भाई ये लो, चलो कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। अब चेस नहीं गया यार, चेस। बारिश की आवाज़ कितनी मस्त लग रही है, टप 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 वाली है। ये ना बार और बंद हो जा रहा है यार, पता नहीं क्यों। जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, फिर डिनर तैयार करते हैं यार। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अंधेरा पूरा हो गया है बाहर। तो चलो कॉफ़ी भी अपना फिनिश हो गया, तो चावल हमने यहाँ पे बाहर पे भिगोने के लिए रख दिया। कॉफ़ी का एकदम हो रहा था अच्छा, कॉफ़ी मस्त हो रहा था, मज़ा आ गया ना। बॉडी दिखा, बॉडी कहाँ है बॉडी? ये देखो गाइस बॉडी। ऐसा लग रहा पोलियो हो गया तुझे, पोलियो तो नहीं हो गया? नहीं। चलो प्याज टमाटर तो काट दिया,
अब इसको जल्दी से इसमें डालो, ग्राइंड करते हैं फिर, ठीक है? ठीक है भाई, बारिश अंदर तो नहीं आएगी आज है? बारिश कहाँ, पीछे से देखना, पीछे से देखो, पीछे से तो आ गया भाई, इधर की साइड पीछे पूरा गीला हो गया यहाँ से। तो इसको जल्दी से ग्राइंड करता हूँ मैं, हो गया ना? ये देख रहो, ये देखो गाइस, मस्त बारीक कर दिया मैंने, ग्राइंड कर दिया इसको। तो इसको निकालते हैं जल्दी से बाहर, फिर इसमें टमाटर डालते हैं। तो अब इसमें टमाटर डालते हैं, टमाटर भी बढ़िया ग्राइंड होगा इसमें मस्त, जैसा प्याज हुआ है ना, टमाटर और ज़्यादा बारीक होगा। इससे पहले नहीं देखा क्या? नहीं देखा, क्या बात कर रहा। तो ये लाइट फिर से बंद हो गया, लेकिन टमाटर देखो ये पूरा बारीक हो गया, तो टमाटर भी मस्त सा ग्राइंड हो गया। तो जो बारिश है ना, बारिश पूरा अंदर आ रहा है, क्योंकि इस टेंट का जो है ना, ये वाला सरफेस थोड़ा अंदर के लिए और ये वाला थोड़ा बाहर के लिए, तो इस वजह से पानी पूरा अंदर आ जा रहा, पूरा गीला हो गया यहाँ पर, बार बार साफ़ करना पड़ रहा। अभी के लिए तो प्याज टमाटर मस्त सा ग्राइंड हो गया, तो अब बनाने की तैयारी करते हैं भाई। तो करते हैं भाई अब डिनर बनाने की तैयारी, तो कढ़ाई दे दो यार। ये उल्टा हो गया, ब्यूटेन गैस भी खत्म होने वाला है। नहीं, हाँ ये भी खत्म होने ही वाला है यार, थोड़ा रह रहेगा ना, आज चल जाए फिर नया ले लेंगे, क्यों नहीं, तो आज भूखा रह जाएगा फिर। हाँ, चावल भी मैंने भिगोने डाल दिया यहाँ, मतलब अभी बारिश थोड़ा तेज़ होगी, बीच में हल्की होगी तो फिर से तेज़ होगी बारिश। देखते हैं कितनी देर में कढ़ाई गर्म होती है, ऑयल फिल कर दूँ? हाँ कर दो, पानी जा रहा है इसमें ना, थोड़ा अंदर करना पड़ेगा, बारिश ना अंदर आ जा रही है, इसको हल्का सा अंदर करेंगे ना फिर थोड़ा सही रहेगा। अभी भी जा रही है, इसको कपड़े के ऊपर खिसकाओ तो यहाँ पर बनाते हैं, क्यों यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर पानी भी नहीं आएगा ना। तो तेल कितना डालूँ? सही है, हाँ ठीक है, खराब हुआ तो गाली तो यही पड़ेगी फिर। तेल गरम देखते हैं कितने देर में होता है, ठीक है। बाकी डिश आज ये बनने वाला है नॉनवेज, ये चिकन बहुत दिन से नहीं बनाया था यार, पता एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मैंने चिकन नहीं खाया था। तूने कब खाया था? मैंने तो घर आते समय खाया था। कब आएगा? 8 तारीख को ऊपर। हाँ ऊपर, हाँ ऊपर, अच्छा ये ऊपर से आ गया एक बार। तो फाइनली तेल भी गर्म हो गया, अब तेल में डालते हैं भाई खड़ा मसाला। मुझे तो ठंड भी लगने लग गया, ठंडा लग रहा ना भाई, कपड़े तेरे गीले और के। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी कैंपिंग में खाना बनाओगे ना तो टेंट के अंदर नहीं बनाना है, टेंट लॉक करके, या तो टेंट को खुला छोड़ना है या तो भारी बनाना है, क्योंकि अंदर गैस बन जाता ना फिर मरने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, आग को लग गया या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो इसको डालते हैं, अभी 2 मिनट में जल जाएगा पता, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तेल हो चुका है बहुत ज़्यादा गर्म और खड़ा मसाला पूरा जल गया है। अब डालते हैं इसे प्याज, दूर दूर रहना भाई जलेगा। प्याज तो ग्राउंड हो गया, चलो टमाटर डालते हैं। इधर तो पानी आ गए, हाँ इधर भाई टेंट के अंदर ना भाई पानी घुस गया थोड़ा थोड़ा साइड से, क्योंकि हमने वैसे ढलान में लगा रखा टेंट, तो हमारे पास कुदाल वगैरह है नहीं जिससे कि
साइड से नाला निकाल पाए, तो इसी वजह से तो इसीलिए पानी अंदर आ जा रहा साइड से। देखते हैं करेंगे कुछ जुगाड़ रात को। ज्यादा आ रहा क्या? हाँ। ज्यादा पानी आ रहा? उतना भी नहीं है, हल्का आ रहा है। तो टमाटर मैंने सील कर दिया है, अब इसमें नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद ना टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाता है। यहाँ से भी पूरा पानी आ गया है अंदर ना। नमक नमक मसाले नहीं। अरे ये तो खत्म हो गया ब्यूटेन, ये वाला तो खत्म हो गया गैस। दूसरा है? ये है पर इसमें भी थोड़ा सा रह रहा है, इसको लगाते हैं। दूसरा वाला लग गया, देखते हैं कितना चलता है भाई। बारिश तो बहुत तेज आ रही है, बारिश रुकेगी नहीं आज। अरे अभी तो मस्त रेडी हो गई है। मसाला डाल दें? हाँ डाल, थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं। क्यों? थोड़ा होममेड मसाला डालेंगे। मेरे को तो नींद आने घट गया अब। नींद आने लग गई? बस खाते हैं, खाने के बाद बस सोना ही तो है फिर तो। गाइस ये चेक करो, ग्रेवी अपनी मस्त रेडी हो गई है। ग्रेवी तो खतरनाक लग रहा है। खतरनाक लग रहा है। हाँ। ये चेक करो गाइस, मस्त ग्रेवी रेडी हो गई है। तो गाइस अब चिकन को करते हैं फील। क्यों? हाँ। ये रहा भाई चिकन, डाल दो भाई एक ही करके। तो ये आप चेक करो भाई, काफी लजीज बनने वाला आज। वैसे आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। तो चावल हमने भिगोने रख दिया था, तो पानी को कर देते हैं साइड। मतलब बाहर पूरा फॉग फॉग वाला मौसम बन रखा, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, पूरा कोहरा हो रखा है चारों साइड। और अब इसमें चावल भी फील कर देते हैं, फिर मस्त बिरयानी रेडी हो जाएगी आज। वैसे मैंने आज तक कैंपिंग में ना कभी बिरयानी नहीं बनाई, ये पहली बार ही ट्राई कर रहा मैं। तो देखते हैं कैसा बनता है। मैं भी आज पहली बार खाऊंगा बिरयानी। बिरयानी इससे पहले कभी नहीं खाया है? नहीं। आज खिलाते हैं, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, लेकिन खाई है मैंने पर बना पहली बार रहा। तुम खा पहली बार रहे, तो पहली पहली बार है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो इसको भी मैरिनेट करते हैं, ठीक है, फिर इसके पकने का वेट करेंगे। ज़्यादा हो गया? खा लोगे? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। तो भाई जी इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट तो कर दिया चावल के साथ चिकन को, तो अब इसके पकने का वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये रेडी होता है। ऊपर से ढक्कन रख देते हैं, तो इंतज़ार करना पड़ेगा भाई। तो वैसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बिस्किट भी तो लाए थे हम, कॉफ़ी के साथ हमने खाया ही नहीं। खाओगे? हाँ। ये देखो भाई कंपनी वालों ने भी सही सीन कर रखा, कंपनी वालों को पता था भाई हम दो बंदे हैं, तो एक चिल ले एक मिल ले, ठीक है। यहाँ पूरा पानी भर गया अंदर, इधर की साइड से ना पूरा तालाब जैसा बन गया। तो बिस्किट खाते हैं, और बिस्किट खाते खाते खाने डिनर के पकने का वेट करते हैं, ठीक है। बारिश ना हल्की हो गई अभी, हो सकता है रात को बंद हो जाएगा तो और सही हो जाएगा, फिर अंदर नहीं आएगा ना पानी। तब तक मैं ऐसा लेट जाता हूँ इधर,
गाइस पूरे 45 मिनट के बाद हम चेक करेंगे ये रेडी हुआ या नहीं हुआ। तो ये आप चेक करो, ये हमारा चिकन बिरयानी। तो मुझे तो लगता है भाई रेडी हो गया होगा। हाँ आज तो मज़ा आ जाएगा इसे खाने में। इसको बंद करते हैं, तुम हल्का सा टेस्ट करो भाई रेडी हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको टेस्ट करना, टेस्ट करके बताना भाई। चावल कच्चे तो नहीं है? मज़ा आ रहा है। सही और का चावल? हाँ कच्चा तो नहीं है? नहीं। तो फाइनली गाइज हो चुका है अपना बिरयानी रेडी, इसको करते हैं साइट। और ये रहा अपना ब्यूटेन, इसको बाहर पर रखते हैं नहीं तो ये आग उग पकड़ लेगा, है ना। थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं फिर मस्त डिनर करते हैं, ठीक है। पूरे 15 मिनट वेट करने के बाद ये ठंडा भी हो ही गया है, तो अब भाई वेट नहीं हो रहा है ज़्यादा। इतना मस्त बना है, बहुत लजीज बन रहा है, टेस्ट तो मस्त आ रहा है ना। हाँ अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं टेस्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा बन गया है, चिकन के पीस बहुत मस्त लग रहे हैं भाई। खा के बताना कैसा आ रहा टेस्ट, ठीक है। लेग पीस, लेग पीस दूँ? दे दे। ये ले भाई लेग पीस, थोड़ा थोड़ा करके पूरा निपटा देंगे, ठीक है। मैं तो इसी में खाऊंगा। और एक चिकन लेग पीस ही है, सबसे पहले ये है भाई, ये गाइस ये चेक करो चिकन लेग पीस। और बिरयानी पहली बार ट्राई करा, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बन रखा भाई, मज़ा आने वाला है। तो हल्का हल्का लेते हैं, हल्के हल्के में फिर फिनिश कर देंगे इसको। टेस्ट करके बता दो भाई कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। तो गाइज अब टेस्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कैसा इसका टेस्ट आ रहा है। भाई पहली बार बनाया मैंने और पहली बार परफेक्ट बन गया। गरम और का थोड़ा सा लेग पीस, ये चेक करो गाइस चिकन लेग पीस। अच्छा। तो गाइस जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा वीडियो बनाने के चक्कर में, तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर देते हैं। तो गाइस फाइनली डिनर तो अपना हो गया मस्त सा, और अब बर्तनों को थोड़ा साइड पर रख देते हैं, हड्डी उड्डी बाहर नहीं रखेंगे, नहीं तो जंगली जानवर वगैरह टेंट के पास आ जाएगा। क्योंकि अपने पास आज, क्योंकि हमने आज आग वूग भी नहीं जला रखा, आग जलाए रहते तो जानवर वगैरह थोड़ा टेंट के पास कम आते हैं, तो इसलिए बर्तन को अंदर रखना पड़ेगा। और पानी और गंदा इतना हो गया ना टेंट आज, तो थोड़ा साफ करना पड़ेगा। तो टेंट अपना साफ हो गया, तो टेंट के बाहर चलते हैं, हाथ हूथ धोते हैं थोड़ा सा। ठंडा लग रहा? हाँ बहुत। तो गाइस हाथ वो भी धो लिया और हाथ साफ भी कर लिया, तो पानी सुबह काम आएगा। पानी को यहाँ पर रख देते हैं। तो भाई अब करते हैं टेंट को लॉक और एक मस्त नींद लेते हैं यहाँ पे, और सीधे इसके बाद तो मॉर्निंग में ही मिलना होगा। रात को अगर सीन सही रहा तो ठीक है, बारिश आ गया तो भाई टेंट के अंदर पानी घुस जाएगा। अभी के लिए मस्त से नींद लेते हैं और टेंट को करते हैं लॉक और मिलते हैं सीधे मॉर्निंग में आपको। ये बहुत टाइट और का भाई, पूरा गीला हो गया टेंट है ना, बहुत गीला और बना। मस्त नींद की झपकी लेते हैं, ठीक है।
इधर तो पूरा बर्तन रख रखा हमने। गुड मॉर्निंग गाइज, हैव अ नाइस डे। बाहर का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई बारिश की वजह से, और बहुत नेक्स्ट लेवल का व्यू लग रहा है। तो टाइम हो गया सुबह के 7 बज चुका है, तो ज़रा टेंट के बाहर चलते हैं, बाहर के व्यू को एंजॉय करते हैं। बाहर बहुत नेक्स्ट लेवल का व्यू लग रहा है भाई, और कल रात को यहाँ पे बारिश से हालत ख़राब, टेंट के अंदर पूरा पानी पानी आ गया था साइड साइड से बारिश से भाई, हालत ख़राब हो गई थी। इधर पूरा फॉग फॉग वाला मौसम बन रखा अभी भी, और इधर एक साइड थोड़ा क्लियर। और ये क्या खा रहा भाई? जंगली फल है ये, किरमूड़ी। हाँ तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टेंट के ठीक सामने, यहाँ पे ये जंगली फ्रूट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं किरमूड़ी। तो ये रेड कलर का भी होता है, इसको आप ऐसे दबाओगे ना खून जैसा लगता है पूरा, लेकिन मीठा होता है ये। तो पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी नेक्स्ट लेवल का व्यू लग रहा। तो गाइज बरसात का मौसम भी स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी हरा भरा लग रहा है पूरा, और आप बादल भी देख सकते हैं, अभी भी बादल उड़ रहे। कल रात को तो बहुत तगड़ी बारिश हुई, टेंट के अंदर भी पानी घुस गया था साइड साइड से, तो हमने थोड़ा बहुत ऐसे ही मैनेज कर लिया, क्योंकि रात को सर्वाइव तो करना ही था यहाँ पर। तो सामने का व्यू आप देख पा रहे होंगे, इधर की साइड पूरा फॉग फॉग हो रहा है धीरे धीरे, हो सकता है दिन में फिर से बारिश आए, क्योंकि आजकल हर रोज़ बारिश आ रही है। तो इधर की साइड भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल का व्यू लग रहा है। गाइस आप इधर का व्यू भी देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है, और हम इतनी हाइट पे ना तो पूरा व्यू इधर का कैप्चर कर पा रहे हैं हम। तो इधर की साइड ना बादल भाई इतनी तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं ना भाई, मीठा होता है बहुत। तो गाइस ये देखो पहाड़ी फल भाई, काफ़ी मीठा होता है ये, तो ये हाइट वाले एरिया में देखने को मिलता है, और इसको पिचकाने के बाद इसमें खून भी आता है भाई, खून जैसे कलर आता है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा होता है ये। तो ये हाइट वाले एरिया पे और पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। इस हिसाब से पीछे फॉग फॉग दिख रहा ना, हो सकता है 5-10 मिनट भाई बहुत तगड़ी बारिश लग जाए। तो जल्दी से चलते हैं टेंट के अंदर, और सामानों को पैक करते हैं, और फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो भाई कल रात को हमने अगर ये रेनकोट जो है ना, अगर टेंट के ऊपर से नहीं डाला रहता ना भाई, पूरा पानी अंदर घुस जाता। साइड साइड से तो थोड़ा बहुत पानी आया, लेकिन ऊपर से नहीं आया, अगर ऊपर से भी आता पूरा टेंट के अंदर पानी भर जाता। तो अभी के लिए सामानों को करते हैं भाई जल्दी जल्दी पैक, और बारिश भी लगने वाली है, क्योंकि पीछे आप देख पा रहे होंगे टेंट के पीछे पूरा फॉग फॉग बन रखा। तो गाइस अब टेंट को करते हैं फोल्ड, और टेंट थोड़ा बहुत तो सूख ही गया है, तो बहुत ज़्यादा गीला और का तो टाइम बहुत ज़्यादा लगाएगा, और टाइम पर निकलना भी है घर के लिए। तो जल्दी से टेंट को करते हैं फोल्ड। टेंट भी अपना अच्छे से पैक हो गया, तो अब इसको जल्दी से बैग में शिफ्ट कर देता हूँ।
तो गाइस कूड़ा तो हमने पहले ही उठा दिया था, तो अब यहाँ से घर जाने की तैयारी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट नाइट कैंपिंग ब्लॉग में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। हो सकता है जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो उस टाइम पर मैं रुद्रनाथ के ट्रैक पर चले गया होगा, तो इसके बाद बहुत नेक्स्ट लेवल के ब्लॉग मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो रुद्रनाथ का ट्रैक भी मेरा 2 या 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी के लिए चलते हैं यहाँ से घर के लिए।